अरेंजमेंट जैसे हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा मेरे एक बात बताओ, सिटिंग अरेंजमेंट क्यों गलत होता है? जैसे मेरे बात सुनो, जिंदगी में ना एक चीज बच्चा हमेशा याद रखना, देखो जैसे तुमसे कोई सिटिंग अरेंजमेंट देता है, मेरी बात सुनना सही लगे बताना, जैसे कोई बोला चार लोग बैठे हैं तो चार लोग हमेशा ऐसे बैठेंगे, ठीक? जिंदगी में जब भी कोई बोले चार लोग बैठे हैं, ठीक है, चार लोग ऐसे बैठा दो। कोई बोले पांच लोग बैठे हैं, ये चार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। कोई बोले पांच लोग बैठे हैं तो ठीक है पांच बैठे हैं, लेकिन ये लाइन कहीं नहीं जाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे होगा ना, नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, पांच लोग ऐसे बैठेंगे, ये बात याद रखना। कोई बोले कि छह लोग बैठे हैं तो पहले सर्कल बनाना सीखो, मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन करना, छह लोग बेटा हमेशा ऐसे बैठेंगे। कोई बोला कि सात लोग बैठे हैं तो याद रखना, सात लोग अगर बैठे हैं तो तुमको सात बैठाने में दिक्कत नहीं होगी, चार ऐसे बैठेंगे, छह ऐसे बैठेंगे, एक यहां बैठा दो, ये सात लोग हो गए। कोई बोलता है कि आठ लोग बैठे हैं तो ये याद रखना, आठ लोगों को अगर बैठाना है तो आठ लोग ऐसे बैठेंगे, सब बराबर दूरी पर होना चाहिए, जो कि तुम जानते हो। ये वाली लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना, ये लाइन मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि मेरा लेफ्ट राइट गलत ना हो। आप सहमत है मेरी बात से? ये तो सर्कल हो गया। लाइन की जब भी हम बात करते हैं, लाइन की जब भी बात करते हैं तो लाइन में हमेशा याद रखना, जब कोई ऐसे बैठता है और ऐसे देखता है तो वो नॉर्थ होता है। नॉर्थ में सीधा सीधा हमारा ये लेफ्ट होता है, हमारा ये राइट होता है। और अगर कोई साउथ की तरफ देख रहा है तो हमारा ये वाला राइट होगा और ये वाला हमारा लेफ्ट होगा। बोलो हाँ या ना। और भी अगर लेफ्ट राइट तुम्हारा गलत हो जाता है कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूं, आप चाहे जितना कला हमको सिखा दीजिए, हमारा लेफ्ट राइट सही होता ही नहीं, सर मेरा लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है, तो उसका भी उपाय सुन लो कि कभी भी अगर तुम्हारा लेफ्ट राइट गलत हो जाता है तो जैसे उसने बोला पांच मित्र आर एस वी पी और क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो धीरे से तुम यहां पर बना लो, यहां पर बना लो कि उत्तर की ओर ऐसे एक ऐसे तीर बना लो, इधर लेफ्ट कर लो और इधर राइट करके बना के रख लो, और बैठाना यहां कहीं पे, बैठाना ऐसे, बस जब भी तुम्हारा निगाह कमजोर हो यहां पर एक बार देख लो कि लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, ठीक है ना। अब जैसे उसने बोला मैं लाइन नहीं खींचूंगा, क्यू आर के दाहिने और एस के बाएं बैठा है, उसने बोला क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। अच्छा अगर मैंने क्यू यहां बैठा दिया तब उसका राइट किधर होगा? वैसे तो कंफ्यूज हो जाते थे कि सर हमसे होता नहीं है, हमारा लेफ्ट राइट कमजोर हो जाता है, लेकिन राइट ये इधर होता है ना, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। उसने बोला क्यू आर के क्या बोला है, क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर, तो अगर क्यू आर के राइट में बैठा है तो हम क्या करेंगे, पहले आर को बैठा लेंगे और उसके राइट में क्यू को बैठा लेंगे। क्यू आर के राइट में बैठा है, गर्म पानी लाएगा सर, एकदम खोलता हुआ, ठीक है ना, हाँ ये ठीक है, ये लिया है मैंने, आप उसे गर्म लाइएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आर हो गया, बोले हाँ सर, एंड किसके लिए है, एंड किसके लिए, क्यू लेफ्ट टू द एस, और किसके, एस के लेफ्ट में बैठा है तो लेफ्ट इधर होता है, एस यहां बैठ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, इसमें मुझे बताओ अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो। फिर बोल रहा है यदि केवल वी ही आर के लेफ्ट में है, यदि केवल वी ही आर के लेफ्ट में, आर का लेफ्ट इधर है यानी केवल वी ही आर के लेफ्ट में है, है ना, वी ही आर के लेफ्ट में है, तो फिर बोल रहा है और एक और बंदा बचा पी, तो आपके पास कोई जगह नहीं है तो पी को आप यहां बैठा सकते हैं, मन हो तो बैठा दीजिए, और वरना एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करेंगे तो वी के सिवा कोई बचेगा ही नहीं, वी के सिवा कोई बचेगा ही नहीं मेरे ख्याल से।